मैं पहले कह रहा था ना, कांग्रेस पार्टी अब इसे पूरे देश में कर्नाटक की जीत को जरूर भुनाने की कोशिश करेगी। मेरे सहयोगी सौरभ कुमार पटना के कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही हैं और वहां पर सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नेताओं में जश्न है। सौरभ जरा दिखाइए पटना में कांग्रेस दफ्तर में क्या हो रहा है। पीछे तो हम News24 की स्क्रीन भी देख रहे हैं, पर क्या वाकई कर्नाटक की जीत का असर, उसका जोश पटना में दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल मानक, सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदाकत आश्रम में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुबह से ही जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सुबह से ही News24 देख रहे हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और सारे तमाम जो बिहार के बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वह सुबह से ही यहाँ पर बैठ के खुशी मना रहे हैं और लगातार News24 देख रहे हैं। एक एक करके हम सबसे बात भी करेंगे और एक अजीब तरीके की यह खुशी दिखाई दे रही है कांग्रेस के नेताओं के चेहरे पर। ये बताइए, काफी अहम है ये जीत, कर्नाटका की जीत। बिल्कुल, सांप्रदायिक राजनीति की हार हो गई, उसकी शुरुआत हो गई। हिमाचल में पहले बीजेपी वाले हारे, कांग्रेस आई। कर्नाटक में बीजेपी हारी, कांग्रेस आई। यह एक पॉजिटिव साइन है, भविष्य की राजनीति को एक इंडिकेटर है कि कांग्रेस आ रही है। 2024 में कितना फर्क पड़ेगा इस जीत को लेकर? नहीं, निश्चित रूप में आप देख रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत की थी, आज वो भारत जोड़ो यात्रा जो है सफल हुआ है और भारत जुड़ रहा है। कर्नाटक को हम बधाई देना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल को भी बधाई देते हैं कि आपने पहले से प्रिडिक्ट किया था कि कांग्रेस को काफी बढ़त है और नई दिशा में कांग्रेस जो है देश में एक राजनीतिक रूप में उभर रही है। हम आदरणीय राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, सोनिया जी को बधाई देते हैं इस जीत पर और मैं समझता हूं कि भारत जोड़ने की प्रक्रिया जो है वो कर्नाटक से शुरू हो गई। भारत जोड़ो की प्रक्रिया जो है वह कर्नाटक से शुरू होगी और यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। कार्यकर्ता जो है वह पूरे उत्साह में है, खुशी में है। ये बताएं कितना अहम है ये जीत कर्नाटक? देख लिए, मच नीडेड विन है, बहुत जरूरत है। यहाँ कर्नाटक से एक संदेश देने के काम हो रहा है पूरे देश को कि हम इशू पे लड़ सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट लड़ सकते हैं, महंगाई के खिलाफ लड़ सकते हैं, ना कि किसी बजरंग दल और बजरंग के नाते पे, सेकुलर पे नहीं। और ये सबसे बड़ी बात है कर्नाटक में कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमको देख के वोट दीजिए, उस चेहरे को यहाँ से नकारा गया है। तो बजरंग बली काम नहीं है, बजरंग बली ने तो पूरा काम दिया, उन्होंने तो भ्रष्टाचारों की नली तोड़ दी है। इस तरह की है चीजें, आप देखिए जिस तरह से हमारा उत्साह है और हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे नेताओं ने बहुत मेहनत किया है जमीन से लेकर यहाँ तक, हमारे राहुल गांधी जी। सर ये बताइए, सुबह से आप लोग News24 देख रहे हैं, आंकड़े सटीक हुए, सही हुए? एकदम सही बात है, आपने जो सुबह पहले भी जो अंदाजा लगाया था, आपका अंदाजा बिल्कुल सही रहा और सुबह से आप देख ही रहे हैं, हम लोग आप ही के चैनल में सारा न्यूज ले रहे हैं और सारे लोग आपके न्यूज से और पहले का आंकड़ा मिला रहे हैं तो सही आ रहा है। और भी कई लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर ये बताइए कितना अहम है ये जीत और 2024 के लोकसभा चुनाव को कितना प्रभावित करें? इससे अहम तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में 2024 के पहले पहली कील ठुकी है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी तानाशाही से बाज आए वरना 24 में नेस्तनाबूत हो जाएगी। कितना अहम है ये जीत, कितना अहम है आज की जो जीत है ये, कितनी अहम? ये बीजेपी के लिए शर्म की बात है और उनको इससे सीख लेना चाहिए कि घमंड उतना ही करे जितना अच्छा हो। 2024 में कितना फर्क पड़ेगा इस जीत को लेकर? सवाल ये है कि काट के हारी बार बार नहीं चढ़ती है। अगर बार बार चुनाव में सांप्रदायिक बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे तो जनता समझ रही है सब बात। ओके सौरभ, बीजेपी एक दोहरी नीति अपना करके समाज को बांटने और राज करने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस के युवाओं में कितनी खुशी है? देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 सालों से युवाओं को ठगने का काम किया है, अब देश का युवा समझ रहा है कि किस तरफ जाना है। आने वाले जो 2024 का चुनाव होगा उसमें युवा उनकी विदाई समारोह की तैयारी कर रखी है। क्या कहेंगे आज की जीत को लेकर? आज की जीत को लेकर हम यही कहेंगे कि अब बजरंग बली और राम जी भी मोदी जी का नैया पार नहीं लगा सकते। वो सारा हथकंडा अपना लिए, फिर भी रिजल्ट आप देख रहे हैं। बजरंग बली के नाम पे खेले, जय बजरंग बली शेर से लगाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि बजरंग बली साफ दिल वालों को पूछते हैं, राहुल जी साफ दिल के हैं। इसीलिए राहुल जी कांग्रेस का साथ दिए, बजरंग बली ना कि बीजेपी का। और दूसरी बात यह है कि बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये जो है मोदी की तानाशाही की शुरुआत हो चुकी है, खिलाफ अब शुरुआत हो चुकी है। अभी हम लोग राजस्थान भी जीतेंगे, मध्य प्रदेश भी जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेंगे, कर्नाटका के बाद हम लोग राजस्थान भी जीतेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक अजीब तरीके की
खुशी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर दिखाई दे रही है। और सुबह से ही ये सभी लोग यहाँ पर बैठ के केवल और केवल न्यूज 24 देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने जो कहा था वह जो दावे किए गए थे बिल्कुल सटीक बैठा है। हम लोगों ने जो एग्जिट पोल दिखाए थे टुडे चाणक्य का जो एग्जिट पोल था वह बिल्कुल सही है और आज वो सही है। इसीलिए आज कांग्रेस के चेहरे पर कांग्रेस के जो नेता हैं उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है और उनका साफ कहना है कि आज जो कर्नाटक की जीत है इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा के सौरभ थैंक यू बहुत धन्यवाद। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से आ गए हैं। गोपाल भाई अब देखिए कांग्रेस तो इसे देश भर में लेकर जाएगी कर्नाटक की जीत को 24 के लिए जोश हाई है कांग्रेस पार्टी का कर्नाटक की जीत के बाद। आपका रिएक्शन कैसे मुकाबला कर?